संतोष शुक्ल समर्थ बंदे मातरम। मैं जो भी सुनाऊंगा आदरणीय दादा कमलेश राजन हंस जी को समर्पित, मंच को समर्पित। अभी हमारे गुरु जी श्रृंगार की बातें ये पढ़ के गए हैं, इनके आप चरित्र पर मत जाइएगा कि सुबह की रौनकें देखो ये काली शाम मत देखो, सुबह की रौनकें देखो ये काली शाम मत देखो, उन्हें देखो जो अच्छे हैं, जो हैं बदनाम मत देखो। अरे गलत उसने किया था इसलिए है कैद खाने में, गलत उसने किया था इसलिए है कैद खाने में। हर एक संत में यारों तुम आसाराम मत देखो, हर एक संत में। संतों पर बड़े कमेंट हुए, मैं नीम की पीपल की छांव छू के चला था, पगडंडियों वाला वो गांव छू के चला था, कैसे हमें मिलता नहीं ये आशीष आपका, मैं घर से अपनी माँ के पांव छू के चला था, और मित्रों बेशरम जी ने मुझे समर्थ का नाम दिया, मंच भी पहला इन्होंने दिया था कवि बनाने का, और आज पुस्तक का विमोचन हुआ मेरा, कवि धर्म का पुनर्जन्म हुआ है मेरा कवि जीवन का। तो मौसम का असर है न हवाओं का असर है डॉक्टर साहब, ना ही ये हकीमों की दवाओं का असर है कि बनकर समर्थ है आज जो फिरता हूँ शान से, ये सिर्फ मेरी माँ की दुआओं का असर है, ये सिर्फ मेरी माँ की दुआओं का असर है कि मैं वो पक्षी हूँ जो सामो शहर आबाद रहता है, जो अपनों की दुआओं से सदा आबाद रहता है। मेरी सांसों में बस्ती है अगर पावन त्रिवेणी तो, मेरे हर शब्द में यारों इलाहाबाद रहता है, हमारी बहन आना इलाहाबादी जी हैं, इनको दो मुक्तक समर्पित करना चाहता हूँ आदेश हो तो। कि यहाँ सर्दी है या गर्मी ये मौसम भूल जाता हूँ, बेटियों को समर्पित है ये मुक्तक। यहाँ सर्दी है या गर्मी ये मौसम भूल जाता हूँ, सुना दे तू अगर बोली तो सरगम भूल जाता हूँ, न जाने कौन सा जादू तेरी सूरत में है बिटिया, तू जब भी पास होती है सभी गम भूल जाता हूँ। कि बिना इनके हवेली में भी रौनक आ नहीं सकती, किसी सुनी सी अंगनाई में चिड़िया गा नहीं सकती। अरे कहे कुछ भी कोई चाहे मेरा दावा ये कहता है, कि रहे घर में कोई भूखा तो बिटिया खा नहीं सकती। मित्रों आज लोग अच्छे दिन की बात करते हैं, दादा राजहंसी बैठे हैं कि अच्छे दिन कैसे आएंगे, कि नन्ही सी जगती आंखों में सपने सोते देखा है, बीच सड़क पर बचपन को यूं बूढ़ा होते देखा है। अरे किसके अच्छे दिन आए हैं, किसकी आई रात हंसी, समझ न पाया जब से उसको भूखा रोते देखा है। जब एक छोटा सा लड़का 10 रुपए 20 रुपए के लिए सर्कस दिखाता है, तब संतोष शुक्ला लिखते हैं कि सभी को सच दिखाता है वो जस का तस दिखाता है। ये प्रिंसिपल साहब को समर्पित है, सभी कुछ सच दिखाता है वो जस का तस दिखाता है। कभी रोकर दिखाता है कभी हंस दिखाता है कि सियासत का सताया है या फिर किस्मत का मारा है, जिसे स्कूल में पढ़ना था वो सर्कस दिखाता है। बस इन्हें बुजुर्गों को प्रणाम करके सुनाना बहुत था, लेकिन फिर मौका मिलेगा तो सबका सम्मान करते हुए कि मतलबों से भरी महफिल में कीमत कौन पूछेगा कि इस युग में बुजुर्गों की नसीहत कौन पूछेगा। गजब बाजार है दुनिया, यहाँ रिश्ते भी बिकते हैं, गरीबी में भला उसकी तबीयत कौन पूछेगा। जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छे समर्थ जी, बहुत।